शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सोलह सौ अट्ठावन दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, मगर धड़कता था सिर्फ एक आंख के इशारे पे। जो इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। और जिसकी धड़कनों की आवाज दबी हुई थी एक क्रूर बादशाह के पैरों तले, और वो था आलमगीर औरंगजेब। जिहाद की खिलाफत करने का मतलब है हमारी खिलाफत करना। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मजलूमों की चीख पुकार। तुम जैसे काफिरों को दीन के रास्ते पर लाना होगा। वजह सिर्फ एक सपना, पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। काफिरों को या तो मौत के घाट उतार दिया जाता था या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। मुंह में गाय का मांस ठूसना, उन पर पेशाब करना, धर्म परिवर्तन के कई तरीके थे। औरंगजेब ने केवल दूसरे धर्मों पर ही नहीं बल्कि इस्लाम के भी कई संप्रदायों पर अपना कहर ढाया, क्योंकि वो उसकी सोच से मेल नहीं खाते थे। हमारे खिलाफ उठने वाले हर सर को कलम कर दिया जाएगा। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की राह पर चले। आमीन। हमारी कहानी यहां से नहीं बल्कि 25 साल पहले से शुरू होती है। जब आज का मुगल बादशाह औरंगजेब एक 16 साल का जवान शहजादा था। लड़कपन से ही उसे नायाब चीजों का शौक था।
उसे जो चीज़ पसंद आ जाती थी या तो वो उसे पाकर ही दम लेता था या फिर तबाह करके। मगर दूसरी तरफ बुंदेलखंड की सुरम्य पहाड़ियों और घाटियों में एक वीर योद्धा की तलवार थी जो उस समय के मुगल शासक शाहजहां से लोहा ले रही थी, और वो तलवार थी बुंदेलखंड के प्रतापी योद्धा चंपत राय की। लेकिन चंपत राय इस लड़ाई में अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी वीरांगना सारंधा भी उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। मगर स्वदेश की आजादी का युद्ध हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं किया जाता। कभी कभी कुछ अपने ही गद्दार बन जाते हैं, और एक ऐसा ही गद्दार था पहाड़ सिंह। वो बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा के राजा का बेटा था जो मुगलों का हितैषी था। वीर बुंदेला चंपत राय की। इसलिए बुंदेलखंड की जनता पहाड़ सिंह से ज्यादा चंपत राय को प्रेम करती थी। वीर बुंदेला चंपत राय की। 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 लोभी और धूर्त पहाड़ सिंह से ये बर्दाश्त नहीं होता था, और वो चंपत राय को रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने चंपत राय को मारने की एक योजना बनाई। अगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, चंपत राय के एक स्वामी भक्त सिपाही ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जान बचा ली। पहाड़ सिंह, इतना बड़ा विश्वासघात! भीम सिंह महाराज, महाराज भीम सिंह, आप जाइए यहाँ से, मैं तुमको साथ ले चलूंगा। भीम महाराज, हम साथ चलेंगे। महाराज जाइए आप यहाँ से। इस पूरे कांड में चंपत राय की जान तो बच गई, मगर उन्हें ओरछा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन वो जहां भी जाते मुगल उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक भयानक काली रात में छुपते छुपाते एक दिन जब वो मुगलों से घिर गए, तो चंपत राय और गर्भवती रानी सारंधा को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। आराम से, आराम से। आइए। ये रात
शायद उनके जीवन की आखिरी रात साबित होने वाली थी। बैठ जाइए। मैं आ रहा हूं। गर्भवती सारंधा की पीड़ा देखकर चंपत राय को अपने स्वर्गीय बेटे सारवाहन की याद आ गई, जिसे कुटिल मुगल सेनापति बाकी खान ने धोखे से मार डाला था। स्वामी, सुनिए, सिर्फ आप जानते हैं कि हम यहां हैं, मुगल नहीं। आप जाइए यहां से, हमारी चिंता मत कीजिए, जाइए। धन्य है ये वीर प्रसूता भूमि, जिसकी वीरांगनाओं में अदम्य साहस और असीम धैर्य है। हम आपसे वादा करते हैं, जब तक हमारे शरीर में लहू की एक बूंद भी है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं आपसे। सारंधा, बुंदेलखंड की पावन भूमि को आतताइयों से मुक्त करवाने वाला शक्ति पुत्र तुम्हारी कोख में आ चुका है। परमात्मा ने उस युग पुरुष की मां होने का गौरव तुम्हें प्रदान किया है। पर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। माँ विंध्यवासिनी है ना हमारे साथ। नहीं सारंधा, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, हम ठीक हैं। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, हम संभालेंगे, सब संभालेंगे। आप जाइए, आप जाइए। अपने बेटे सारवाहन के कातिल बाकी खान को अपने सामने देखकर चंपत राय क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। वो उससे और मुगल सैनिकों से अकेले लोहा ले रहे थे। उधर प्रसव पीड़ा से जूझती सारंधा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। और तभी अचानक युद्ध की ललकारों के बीच एक मासूम सी किलकारी गूंज उठी।
मानो मौत के अंधेरे को चीरती जिंदगी और उम्मीद की किरण फूट पड़ी हो उस गुफा में। जीवन मृत्यु के इस द्वंद के बीच पैदा हुआ बालक साधारण कैसे हो सकता है? भूमि है बुंदेल की, शौर्य की है वीर की, धर्म वीरों की ये पहचान, धर्म वीरों की ये पहचान, वेदों की तरह प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की मां तुझे करे प्रणाम, वेदों की तरह प्रणाम, शौर्य की और इस बालक के जन्म की खबर कई असाधारण दिव्य संदेश भी दे रही थी। मगर चंपत राय और सारंधा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कर हिम्मत, बांध ले कमर, ले हुक्म सब साथ, पीयू पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ। बादशाह का एक बाल बुलंद रहा है,
चूमना है नाथों को जिन्होंने पूरी सल्तनत का खजाना खाली करके अपनी मरहूम माशुका की याद में मुजस्समाए इश्क ताजमहल की तामीर की। यह कैसी गुस्ताखी है हमारी शान में औरंगजेब। गुस्ताखी तो आपने किया बाहुजोर, जो मोहब्बत में अंधे होकर अपने तख्त को भी नीलाम कर दिया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो औरंगजेब। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को, नए बादशाह को आलमगीर बुलाया जाएगा। बोलिए बोलिए। आलमगीर बादशाह औरंगजेब। ले जाओ ने, और याद रखना इनकी खिदमत में कोई कोताही ना हो। आखिर ये हमारे अब्बा हुजूर है, और हां इन्हें उसी जगह नजरबंद करना जहां से इन्हें अपनी मरहूम बीवी का मकबरा साफ दिखाई दे। जी हुजूर। आलमगीर बादशाह औरंगजेब का इकबाल बुलंद रहे। देखते हैं कि बाल छत्रसाल इन दोनों वस्तुओं से किसे चुनते हैं। इसी से ही उनकी दिशा निर्धारित होगी और भविष्य का अनुमान लगेगा। लीजिए कुंवर जी, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो उठा लीजिए। हम लड़ेंगे भी और लिखेंगे भी।
वीरों के हाथों में गुलेल नहीं तलवार शोभा देती है। पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। छत्रसाल चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ रहा था। उनका लालन पालन माता सारंधा ने ही किया था। उन्हीं से छत्रसाल को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त हो रहा था। सबको साथ लेकर चलने वाला, मित्रों का परम मित्र और शत्रुओं की आंखों में शूल बनकर चुभने वाला शत्रु शूल होगा हमारा पुत्र। छत्र की भांति प्रजा की रक्षा करने वाला बुंदेलखंड के इस लाल को दुनिया छत्रसाल के नाम से जानेगी। मुगलों के द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने के कारण उनको छत्रसाल सहित अपना निवास स्थान बदलते रहना पड़ता था। एक वर्ष के अंतराल के बाद जब वो मुगलों से छिपकर ओरछा के एक मामूली से गांव में आदिवासियों के बीच रह रहे थे, तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आप क्या करिए सरदार जू? इस समय जंगल में जाने को मतलब मौत आयो। लल्ला
कौन पागल बालक है जो ऐसे मौत के मुंह में कूद गए हो? भगवान बन के आए हो बेटा, कौन हो तुम? साधारण बालक तो नहीं लग रहे हो, कौन हो तुम? हम श्री चंपतराय और माता सारंदा के पुत्र छत्रसाल हैं। कुंवर छत्रसाल? हाँ, एक माँ को उसका बेटा लौटाया है आपने। भगवान आपको इतनी शक्ति और जस दे जिससे आपके नाम की डंका एक दिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई दे। वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! माजू, 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 आपका गुस्सा तो हमसे है ना, भोजन से तो नहीं? आप भले ही हमें दंड दे दीजिए पर इसे चुप मत रहिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें अगर हमारी इतनी फिक्र होती तो तुम ऐसी हरकत नहीं करते। अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं माजू कि हमें आपकी कितनी ही चिंता है? अच्छा ठीक है, अब आप जब तक हमें क्षमा नहीं करेंगी हम तब तक एक पांव पर खड़े रहेंगे और एक भी निवाला नहीं खाएंगे। एक पाप है क्यों, सर के बल खड़े हो जाओ। वैसे भी तुम्हें खतरों से खेलने की बड़ी आदत है ना, हमारी बात तो वैसे भी नहीं सुनोगे, अपनी ही मनमर्जी करोगे, तो वही करो। ये लीजिए माजू, अब तुम सर के बल भी खड़े हो गए, अब तो हमें क्षमा कर दीजिए ना। चलो रहने दो, सीधा खड़े हो जाओ, चलो। बहुत हो गया तुम्हारा। माजू, हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है, बिना सोचे समझे हम उस बाघ के सामने कूद पड़े, पर हम क्या करते माजू? उस समय
हम केवल उस छोटे बच्चे के नन्ही सी जान के बारे में सोच रहे थे। देखो पुत्र, तुम्हारा इरादा बहुत ही नेक था, पर तरीका जोखिम भरा था। मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो, बहादुरी और बेवकूफी में बहुत ही महीन अंतर होता है। जी माजू, और आप ही ने तो सिखाया है ना माजू कि डर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और उस पर विजय पाने के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो है उसका डट कर सामना करना। तो डर स्वयं ही डर के भाग जाएगा। तो बस हमने भी वही किया। परंतु रानी जू, छत्ता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, क्षमा कर दीजिए इसे। माजू, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आपकी ममता और ईश्वर की कृपा सदैव ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगी। चारों ओर खोजो इन काफिरों को, यहीं कहीं छुपे होंगे। जी हुजूर। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें पुकार रहा है। परीक्षा की गहरी काली रात आ चुकी है। उठो, जागो, निडर होकर आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उठो छत्रसाल, उठो। छत्ता, 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 जल्दी से उठो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुगलों ने आक्रमण कर दिया है। उठो। पर माजू, हम आप लोग को यहाँ अकेले छोड़कर खुद कैसे जा सकते हैं? पुत्र, ये हम सबके लिए कठोर परीक्षा की घड़ी है, लेकिन हम भावुकता में आके काम नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो माजू? हम यहाँ रहकर उन मुगलों से लड़ेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। पुत्र, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। एक क्षत्रिय का परम धर्म होता है उसके परिवार से बढ़कर मातृभूमि की तरफ, और तुम्हारा भी परम कर्तव्य बुंदेल भूमि की तरफ है, और यही तुम्हारे पिताजी ने हमेशा किया है। ये लो पुत्र, तुम जाओ यहाँ से। पर माजू, मुगलों की इस लड़ाई में हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यदि आपको कुछ हो गया तो हम... पुत्र, हमें कुछ नहीं होगा। अगर 100 सियार भी आ जाए ना, तो एक शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शेर शेर होता है। आने दो इन मुगलों को, निपट लेंगे हम। ऐसे मुश्किल समय में भगवान का भरोसा होता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, हमारी नियत साफ है तो नियति भी अच्छी होगी। हमें कुछ नहीं होगा, तुम हमारी चिंता मत करो। जब तक हमारे हाथ में शस्त्र है, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि मुगलों के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे। तो फिर हमारे लिए आपके क्या आज्ञा है माजू? पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन मान कुवरी के पास चले जाओ। वहां तुम्हें शरण और सुरक्षा दोनों मिलेगी। पुत्र, इस विषम घड़ी में हम भले ही तुमसे दूर होंगे, पर हमारा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। बेटे, मनुष्य की असली परीक्षा उसके कठिन समय में होती है। हमने और तुम्हारी माँ ने पूरे बुंदेलखंड को हमेशा अपना घर माना, यहाँ के समाज को अपना परिवार, यहाँ की मिट्टी को माथे का चंदन और यहाँ के पानी को अमृत माना। तुम भी पूरी बुंदेली भूमि को अपना राजमहल समझना। ये ऊंचे नीचे पहाड़, ये घने बीहड़, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे अपने। और हमारा विश्वास है, तुम जहां कहीं भी बुंदेलखंड में जाओगे, तुम्हें भरपूर आदर सम्मान, प्यार, सत्कार मिलेगा लोगों के द्वारा। और एक बात याद रखना बेटा, कैसी भी परिस्थिति में अपना अस्तित्व मत खोने देना। और हाँ, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारी रगों में चंपत राय और सारंधा का खून दौड़ रहा है।
खुश रहो। हमें विश्वास है कि आपके तेज और पराक्रम के सामने वो मुगल टिक नहीं पाएंगे, और आपकी आज्ञा अनुसार हम आपसे दूर तो जा रहे हैं, पर प्रतीक्षा करेंगे शुभ समाचार की कि वीर बुंदेलों ने कुटिल मुगलों को छटी का दूध याद दिला दिया। हुकुम, हुकुम, एक बुरी खबर है हुकुम। अभी भी पता चला है कि आपके माता और पिता स्वामी, स्वामी, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप उठिए, चलिए, आप ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। ये तो बस इस बात का है कि हम अपनों को एक साथ नहीं जुटा पाए। आज आपसी मतभेद और बैर भुलाकर बुंदेलखंड साथ खड़ा होता तो हम स्वतंत्र होते। क्षमा करना माँ, तुम्हें इन आतंकियों से तुम्हारा ये बेटा मुक्त नहीं करा पाया। नहीं, नहीं, ऐसे मत कहिए। बुंदेल भूमि को आप पर गर्व है। देखिए, मुगल सैनिक आ रहे हैं, आपको उठना होगा, उठिए। सुनिए हमारी बात, सुनिए, यदि आज हम इन मुगलों के हाथों मारे गए तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। रानीजू, हम हार कर नहीं जाना चाहते हैं।